सर्दियों के समय यूरोप और रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ की चपेट में आ जाता है। इस स्थिति में सड़क के किनारे से बर्फ हटाने के लिए विशेष प्रकार के वाहन इस्तेमाल में लिए जाते हैं, जिससे इन यूरोपियन शहरों का सामान्य जनजीवन चल पाता है। शहरों के अलावा धरती के उत्तरी गोलार्ध में स्थित दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक आर्कटिक ओशन में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर आप चाहकर भी नहीं जा पाते। आर्कटिक महासागर का पानी इतना ठंडा है कि इस रीजन में यह पानी बर्फ की मोटी मोटी चादर के रूप में जम गया है। इसके कई हिस्सों में बर्फ के परत की मोटाई 2 से 3 मीटर यानी 6 से 9 फीट तक पाई जाती है। इस स्थिति में अगर कोई शिप इस हिस्से में फंस जाती है तो उसका बाकी दुनिया से संपर्क कई महीनों तक कटा रहेगा। आर्कटिक ओशियन की तरह ही बाकी दुनिया में स्थित दूसरे समुद्री हिस्सों में बर्फ की इन भारी भरकम परतों को तोड़ने के लिए दुनिया भर के कई देश एक विशेष प्रकार के जहाजों का निर्माण करते हैं, जिनको आइस ब्रेकर शिप कहा जाता है, यानी बर्फ को तोड़ने वाले जहाज। खास तौर से समुद्र के ऊपर जमी हुई बर्फ की परत को तोड़कर दूसरे शिप के लिए रास्ता तैयार करने वाले ये जहाज दुर्गम समुद्री मार्गों पर इन व्यापारिक जहाजों के लिए एक रक्षक की भूमिका निभाते हैं। यूएस नेवी आज के समय दुनिया भर की सबसे ताकतवर नेवी मानी जाती है, जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। लेकिन जब बात आइस ब्रेकर शिप की जाए तो इसमें एक तरह से रशिया का एकाधिकार है, जिसके पास 40 से भी ज्यादा बर्फ तोड़ने वाले जहाज मौजूद हैं। इस वीडियो के आगे के हिस्से में हम दुनिया भर के 10 सबसे शक्तिशाली आइस ब्रेकर शिप्स की बात करेंगे और जानेंगे कि ये बर्फ तोड़ने वाले जहाज आखिर किस तरह से काम करते हैं। नंबर 10, बाल्टिका। रशियन फ्लैग के नीचे आने वाला यह जहाज आर्कटिक हेलसिंकी शिपयार्ड द्वारा फिनलैंड में बनाया गया था। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा आइस ब्रेकर शिप है जो न केवल आगे और पीछे जाकर बर्फ की परतों को तोड़ने में सक्षम है, बल्कि एक एंगल पर झुककर यानी तिरछा होकर भी बर्फ की परतों को पानी में बदल सकता है। इसको बनाने का काम साल 2012 में शुरू किया गया था। करीब 251 फीट लंबा और 67 फीट चौड़ाई वाला यह जहाज 1 मीटर बर्फ में 3 नोट्स की स्पीड से चल सकता है। एक नए आइडिया और इनोवेशन के साथ डिजाइन किया गया यह आइस ब्रेकर शिप खास तौर से बंदरगाह और उसके आसपास के समुद्री हिस्सों में दूसरे जहाजों के लिए रास्ता तैयार करता है। नंबर 9, एंड्री विल्किट्स की। इस आइस ब्रेकर शिप का निर्माण साल 2018 में रूस में किया गया था। 122 मीटर लंबा और 26 मीटर चौड़ाई वाला यह जहाज अपने साथ 4500 टन कार्गो ले जाने की कैपेसिटी रखता है। इसमें लगे हुए 2 इंजन की सहायता से 29,500 हॉर्स पावर के बराबर एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी मदद से दुर्गम समुद्री रास्तों पर भी यह 60 नोट्स की मैक्सिमम स्पीड से चल सकता है। इसका प्रमुख काम आर्कटिक से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स और दूसरे समुद्री जहाजों के लिए एक आसान रास्ते का निर्माण करना है। नंबर 8, टेरी फॉक्स। यह एक हेवी आइस ब्रेकर शिप है जिसका संचालन कैनेडियन कोस्ट गार्ड द्वारा किया जाता है। 1991 से ही यह जहाज कनाडा के कोस्ट गार्ड के पास है, जिसका प्रमुख उद्देश्य कनाडा के समुद्री हिस्से में पड़ने वाले दूसरे जहाजों को सहायता प्रदान करना है और उनको सुरक्षित रूप से इन बर्फीले रास्तों से निकालना है। 88 मीटर लंबा और करीब 18 मीटर की चौड़ाई वाला यह जहाज अपने साथ 2100 टन के बराबर कार्गो ले जा सकता है। नंबर 7, USCGC हिली। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास मौजूद यह सबसे बड़ा और सबसे उन्नत किस्म का आइस ब्रेकर शिप है, जिसका निर्माण कार्य 1999 में अमेरिका में किया गया था। इसकी लंबाई 420 फीट है जबकि इसकी चौड़ाई 82 फीट है। इसमें लगे हुए 4 इंजनों की सहायता से 60,000 हॉर्स पावर के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। USCGC हिली का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया है कि इसमें 4200 स्क्वायर फीट में एक साइंटिफिक लेबोरेटरी मौजूद है, जिसमें 50 से भी ज्यादा वैज्ञानिक विभिन्न प्रकार के रिसर्च कार्य कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 17 नोट्स के बराबर है, जो कि तकरीबन 4.5 फीट मोटी बर्फ की परत को तोड़कर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संबंधी कार्य जटिल परिस्थितियों में भी करने में सक्षम है। नंबर 6, सीरेज 5003। यह एक जापानी आइस ब्रेकर शिप है जिसका निर्माण कार्य साल 2008 में किया गया था। जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा संचालित यह बर्फ तोड़ने वाला जहाज अंटार्कटिका महाद्वीप में जापान द्वारा की जाने वाली विभिन्न एक्टिविटीज के लिए उपयोग में लिया जाता है। करीब 20,000 टन वजनी यह जहाज अपने साथ 1100 टन कार्गो ले जाने की क्षमता रखता है। 138 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ाई वाले इस आइस ब्रेकर शिप में 130 क्रू मेंबर्स और 80 से ज्यादा वैज्ञानिकों के रहने के लिए पर्याप्त स्पेस मौजूद है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 20 नोट्स है, जबकि यह 5 फीट मोटी बर्फ की परत को तोड़कर 3 नोट्स की स्पीड से चल सकता है।
नंबर 5 ऐसे एगुलहास सेकंड। यह आइस ब्रेकर शिप साउथ अफ्रीकन फ्लैग के नीचे चलता है, जिसका निर्माण कार्य साल 2012 में फिनलैंड में किया गया था। इसकी लंबाई 134.2 मीटर और इसकी चौड़ाई 21.7 मीटर है, जिसमें लगे हुए 4 इंजनों की सहायता से 16,000 हॉर्स पावर के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। बर्फ तोड़ने वाले इस जहाज का प्रमुख उद्देश्य अंटार्कटिका में मौजूद साउथ अफ्रीकन रिसर्च स्टेशन तक वैज्ञानिकों और पैसेंजर्स को पहुंचाना है। यह अफ्रीकन जहाज एक बार में 28,000 किलोमीटर की दूरी 60 नॉट्स की मैक्सिमम स्पीड से कर सकता है। नंबर 4 यमाल। यमाल एक रशियन आइस ब्रेकर शिप है, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से संचालित होता है। 148 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ाई वाला यह जहाज करीब 23,000 टन वजनी है। इस जहाज में आपको लाइब्रेरी, वॉलीबॉल कोर्ट और जिम भी मिल जाएगा। अपने साथ एक हेलीकॉप्टर और कुछ नौकाओं को ले जाने की क्षमता इस रशियन जहाज के पास है। नंबर 3 टेमियर। यह भी एक रशियन आइस ब्रेकर शिप है, जिसका निर्माण कार्य 1988 में फिनलैंड में किया गया था। परमाणु ऊर्जा से संचालित यह बर्फ तोड़ने वाला जहाज उस समय के सोवियत यूनियन के लिए बनाया गया था। यह जहाज आर्कटिक ओशियन में ऑपरेट किया जाता है, जो कि 2 मीटर से भी ज्यादा मोटाई वाली बर्फ की परतों को तोड़ने में सक्षम है। 150 मीटर लंबा और 29 मीटर चौड़ाई वाला यह रूसी जहाज एक न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है, जो कि 69,600 हॉर्स पावर की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सभी तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस यह जहाज 138 से अधिक लोगों के लिए स्पेस प्रोवाइड कर सकता है। नंबर 2 फिफ्टीलेट पोबेडी। यह एक शक्तिशाली रशियन आइस ब्रेकर शिप है, जिसको साल 2007 में कमीशन किया गया था। 160 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ाई वाले इस जहाज का निर्माण विशेष रूप से आर्कटिक ओशियन में मौजूद बर्फ की बड़ी बड़ी परतों को तोड़ने के लिए किया गया है। परमाणु ऊर्जा से संचालित यह जहाज 2.5 मीटर मोटी बर्फ की परत को आसानी से तोड़ सकता है। यह जहाज 23,400 टन वजनी है, जो कि अपने साथ 3500 टन तक कार्गो ले जाने की क्षमता रखता है। इसमें मौजूद 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से 75,000 हॉर्स पावर के बराबर एनर्जी जनरेट होती है, जो कि 18.6 नॉट्स की मैक्सिमम स्पीड से चल सकता है। नॉर्थ पोल तक पर्यटकों को पहुंचाने के लिए यह जहाज काफी उपयोगी है। यह आइस ब्रेकर शिप अपने साथ 189 क्रू मेंबर्स के साथ एक हेलीकॉप्टर भी कैरी करता है। नंबर 1 आर्कटिका। आर्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत किस्म का आइस ब्रेकर शिप है, जिसका निर्माण कार्य रशिया के एक प्रोजेक्ट 22220 के तहत किया गया है। यह जहाज साल 2020 में कमीशन किया गया था, जिसकी कुल लंबाई 569 फीट है और चौड़ाई 112 फीट है। तकरीबन 33,500 टन वजनी यह जहाज बगैर किसी बाहरी सहायता के 7 सालों तक अपना काम कर सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला यह रशियन आइस ब्रेकर शिप 22 नॉट्स की मैक्सिमम स्पीड से चल सकता है। सबसे आधुनिक जहाजों में से एक यह आइस ब्रेकर शिप 9 फीट बर्फ की मोटी परत को तोड़ने में सक्षम है। इस जहाज की ऊंचाई 168 फीट रखी गई है, जिसके कारण जहाज में मौजूद क्रू मेंबर्स आसानी से कई किलोमीटर दूर से ही आसपास के वातावरण को देख सकते हैं।